आज की वीडियो बहुत खास और बहुत मज़ेदार होने वाली है और इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं, लेकिन फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं आपको वो सारी टेक्निकल चीज़ें इतनी आसानी से और इतने मज़ेदार तरीके से समझाऊंगा कि आपको ये फील होगा जैसे आप ये सब पहले ही जानते थे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शेर अफगन, मैं केमिस्ट और स्किन केयर एक्सपर्ट हूँ और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं जेन फार्म के डर्मावे ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो के ख़ास और मज़ेदार होने की सबसे बड़ी वजह है इस प्रोडक्ट में शामिल किए गए इंग्रेडिएंट्स, जिनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेरामाइड्स की। अब सेरामाइड्स क्या होते हैं? ये बेसिकली लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ऐसा ही ना कह लें, जो हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि सेल्स को, डेड स्किन सेल्स को आपस में जोड़ के रखते हैं, सीमेंट का किरदार अदा करते हैं। और इस बात को आसान करने के लिए मैं आपको एक दीवार की मिसाल देता हूँ कि जब कोई भी दीवार बनती है तो वो ईंटों और सीमेंट से बनती है। तो ईंटें लगाते हैं, उसके ऊपर सीमेंट, फिर उसके ऊपर ईंटें, तो इसी तरह एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो स्टार्ट में सीमेंट गीला होता है तो दीवार इतनी मज़बूत नहीं होती। जैसे ही 2-3 दिन में सीमेंट ड्राई होगा तो दीवार बहुत मज़बूत हो जाएगी। अब हमारी स्किन का इससे उलट है, इधर सीमेंट ड्राई हो के वाल मज़बूत होती है, इधर जो हमारी स्किन है ये जितनी वेट रहेगी, जितनी गीली रहेगी, जितने इसमें लिपिड्स सेरामाइड्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा हमारी स्किन के लिए बेहतर है। तो ये जो फैट्स होते हैं, जो लिपिड्स होते हैं, ये हमारी स्किन के सेल्स को, डेड स्किन सेल्स को आपस में बांध के जोड़ के रखते हैं। तो ये अहमियत है सेरामाइड्स की हमारी स्किन में। तो जहाँ तक इस प्रोडक्ट में सेरामाइड्स की बात है, यहाँ पर कोई भी मैंशन नहीं किया गया कि इसमें सेरामाइड AP है, इसमें सेरामाइड NP है, बिल्कुल भी मैंशन नहीं है। लेकिन इसमें सेरामाइड्स हैं तो स्किन के लिए इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ इस प्रोडक्ट को मज़ीद लग्जरी और VIP करने के लिए इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी शामिल कर दिया गया है। अब हाइलुरोनिक एसिड की मैंने इतनी पहले भी तारीफ़ की है, आज भी तारीफ ही करूँगा। तो बहुत अच्छा है स्किन के लिए, स्किन पे जो मॉइस्चर लेवल होता है उसे मेंटेन रखता है, स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने देता, रिंकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए बहुत अच्छा है, स्किन यूथफुल प्लम्पी होती है। अब हाइलुरोनिक एसिड की भी अब मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, इसमें लो मॉलिकुलर वेट वाला होता है, हाई मॉलिकुलर वेट वाला होता है। जो लो मॉलिकुलर वेट वाला हाइलुरोनिक एसिड है वो स्किन में ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, जो हाई मॉलिकुलर वेट वाला हाइलुरोनिक एसिड होता है वो मोस्टली स्किन के ऊपर रहता है, स्किन के अंदर इतना पेनिट्रेट नहीं करता। एनीवेज, ये दोनों फॉर्म स्किन के लिए बहुत मज़ेदार हैं और मेरा ख्याल है इस मॉइस्चराइज़र को सेरामाइड्स के बाद हाइलुरोनिक एसिड ने 4 चांद लगा दिए हैं। अब जबकि बात आगे निकल ही चुकी है तो क्यों ना इस बात को मज़ीद बढ़ा दिया जाए, वो ऐसे कि इन्होंने इसमें SPF 20 शामिल किया हुआ है। और मुझे इससे अपने बचपन का एक वाकया याद आ गया। हमारा एक दोस्त था, उसकी जब भी लड़ाई होती किसी और बच्चे से तो उसने उसे कहना कि मेरे अंकल इंस्पेक्टर हैं। तो जब हम बड़े हुए थोड़ा सा तो देखा ना ही कोई इंस्पेक्टर था और ना ही कोई उसके अंकल थे। आई थिंक इस SPF 20 को समझाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा धूप में, तो तब शायद मैं इसको बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। मेरा ख्याल है आप सही तरीके से बात होगी SPF पे, क्योंकि इस पे SPF 20 है, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो अभी मैं धूप में खड़ा हूँ, मेरी स्किन पे 2 तरह की रेज पड़ रही हैं, एक है UVA और एक है UVB। इन्हें आसान करने के लिए UVA कह लें वो रेज जो एजिंग का सबब बनती हैं, और UVB रेज वो होती हैं जिससे हमारी स्किन पे बर्निंग होती है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर 2 तरह की इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो सूरज की ख़तरनाक शुआओं को रोकते हैं। एक है ऑक्टिनॉक्साइड जो कि ऑर्गेनिक UV फिल्टर है, दूसरा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो कि एक मिनरल सनस्क्रीन है। ये दोनों जो हैं ये UVB रेज से प्रोटेक्ट करते हैं स्किन को, बाजू थक गया था। तो इसमें UVA के लिए कोई भी फ़िल्टर मौजूद नहीं है, दोनों जो हैं ये UVBs को प्रोटेक्ट करती हैं। तो हम इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF बिल्कुल भी नहीं कह सकते, ये जस्ट एक छोटी मोटी थोड़ी सी मामूली सी सनस्क्रीन है SPF 20। ऐसे मैं धूप में खड़ा हूँ तो ये बिल्कुल भी मेरी स्किन को नहीं प्रोटेक्ट कर सकती। इस प्रोडक्ट के कुछ और फीचर्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं, अब उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है फॉर ऑल ड्राई स्किन डिसऑर्डर्स। अगर आपने मेरी सेरामाइड्स वाला जो पोर्शन है वीडियो का वो अच्छे तरीके से समझा है और उसे देखा है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ड्राई स्किन डिसऑर्डर्स का रिलेशन है सेरामाइड्स के साथ, आपको इस बात की समझ आ गई होगी। इसके अलावा है नॉन कोमेडोजेनिक। अब
बाज़ औक़ात हम कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो वो हमारे पोर्स को क्लॉग यानी कि बंद कर देती हैं। हमारी स्किन से एक सीबम निकलना होता है तो जब पोर्स क्लॉग हो जाते हैं उस सीबम को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, वो वहीं पे ब्लॉक होकर रह जाता है। अब उस जगह पे इन्फेक्शन हो जाता है और फाइनली वहाँ पे पिंपल निकल आता है या बहुत से पिंपल्स निकल आते हैं। तो कोशिश करें जो भी प्रोडक्ट हम परचेज़ करें स्किन पे अप्लाई करें वो नॉन कॉमेडोजेनिक होनी चाहिए यानी कि वो हमारे पोर्स को क्लॉग नहीं करें। इसके अलावा बताया गया है कि ये लाइट वेट और नॉन ग्रीजी है तो ये दोनों बातें ठीक हैं। मुझे पर्सनली वो प्रोडक्ट्स पसंद हैं जिनका टेक्सचर बहुत लाइट होता है और नॉन ग्रीजी होती है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स पे। तो इसके प्रोज तो बहुत ज़्यादा हैं जिनमें सबसे पहले आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसमें सेरामाइड्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड है, इसमें विटामिन ई है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है। प्लस इसकी प्राइस सिर्फ 700 रुपये है। मैंने 700 का परचेज़ किया है और मुझे 150 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़े हैं। टोटल मुझे 850 का मिला है। तो मेरा ख्याल है जितनी अच्छी इसमें चीज़ें शामिल की गई हैं, जितनी अच्छी इसकी फार्मूलेशन है, तो डिलीवरी के साथ 850 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। जहाँ तक बात है कॉन्स की, तो इसमें फ्रेगरेंस शामिल की गई है। अब फ्रेगरेंस दो तरह की होती हैं, एक होती हैं नेचुरल जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिनसे खुशबुएँ बनती हैं वो होते हैं, वो तो ठीक हैं, लेकिन मोस्टली जो फ्रेगरेंसेस मार्केट में यूज़ हो रही हैं वो सिंथेटिक होते हैं, उनमें एसीटोन्स वगैरह इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो सेंसिटिव स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। तो अगर किसी की स्किन ड्राई प्लस सेंसिटिव है तो वो ये प्रोडक्ट यूज़ ना करें। सिंपल जो ड्राई स्किन वाले हैं, नॉर्मल स्किन वाले हैं, कम्बिनेशन स्किन वाले हैं, सभी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव स्किन के लिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा। दूसरा कौन इसमें आता है SPF का, क्योंकि SPF 20 वैसे भी इनफ नहीं होती। अगर आपने इनडोर रहना है तो ठीक है, लेकिन आपने बाहर जाना है, धूप में निकलना है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30 से लेके 50 तक आप यूज़ कर लें। वो आपको बेहतर तरीके से UVA और UVB दोनों रेज से प्रोटेक्ट करेगी। तीसरा कौन ये है कि मुझे ये लगता है कि ये सेरावे मॉइस्चराइज़र की कॉपी है। अब इसका डिज़ाइन, इसके ग्राफिक्स भी सेरावे से मिलते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी हद तक सेरावे से मिलते हैं, तो आई थिंक ये एक कॉपी की गई है। लेकिन कॉपी कोई सस्ती कोई घटिया वाली नहीं है, बहुत अच्छी। अगर कॉपी की है तो मैं एज आ कस्टमर ये बात कर रहा हूँ, अगर इन्होंने कॉपी की है तो बहुत अच्छी कॉपी की है और मुझे प्रोडक्ट बहुत मज़ेदार लगी। तो ये था हमारा आज का रिव्यू जेन फार्म के डर्मीवे मॉइस्चराइज़र का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब मस्ट है। कोई भी आपके क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपने पूछनी हो, या अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कोई चीज़ मिस कर दी है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।